नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 10 सुपर फास्ट खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के कैमूर जिले में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ सोने पर सुहागा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से देश को बचाया गया और कोरोना काल में ही सही वक्त पर सही फैसले लिए गए। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले ही चुनाव हार चुके हैं, साथ ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में इच्छा शक्ति नहीं है। 4.5 लाख नौकरियों के पद रिक्त है और 5.5 लाख नौकरियां वो है जो राष्ट्रीय औसत में है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने पूछा कि बिहार में लॉकडाउन और चमकी बुखार में बिहार की क्या हालत हुई थी। बिहार के डिप्टी सीएम जी बाढ़ में और जलजमाव में भी बच नहीं सके तो फिर जनता का क्या कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बनेगी और जनता सब कुछ देख रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज चुनाव प्रचार के पहले रवाना होने से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए के लोग हताश और निराश हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के नेताओं ने एक अकेले के लिए सारे लोगों को लगा रखा है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी के पास बिहार में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है। आज यानी मंगलवार की सुबह पटना में बड़ा हादसा हुआ, जहां पटना स्थित सचिवालय में भीषण आग लग गई। खबर है कि इस घटना के कारण ग्रामीण विकास विभाग को काफी नुकसान हुआ है और सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में लगी आग के कारण विभाग के आधा दर्जन से अधिक कमरे जलकर खाक हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां आज मंगलवार को बीजेपी के दो बड़े नेता बिहार के दौरे पर रहे और बैक टू बैक यहां जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दो विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैमूर सहित 3 विधानसभाओं में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए लोगों से जनसमर्थन मांगा। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आईआईटी पटना में इस बार बेहतर प्लेसमेंट देखने को मिला है। आईआईटी पटना में इस बार दुनिया भर की कुल 16 कंपनियों ने 38 छात्रों का सिलेक्शन किया है। आपको बता दें कि इनमें से एक छात्र को 43.50 लाख प्रतिवर्ष का पैकेज मिला है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे आज शाम 6 बजे होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को अवश्य सुने। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसके लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि जिसके लिए जेल गए उसी पैसे को निकालकर नौकरी दोगे क्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार और केंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा विकास के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से बिहार के विकास की बात कही, लेकिन यह सफेद झूठ है। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 10 सुपर फास्ट खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।